जादुई राखी वाला। एक समय डोलबाजक नामक गांव में रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। सभी भाई बहन बहुत खुश थे। शोभा ने भी सोच रखा था कि वह इस रक्षाबंधन में अपने भाई सूरज के लिए एक सुंदर सी राखी खरीदेगी। बस फिर क्या था, शोभा ने अपने पिताजी से पैसे लिए और अपनी सहेली मंजू के साथ गई राखी की शॉपिंग पे। शोभा बोली, अरे मंजू, अब सारी शॉपिंग तो हो गई, बस राखियां लेना बाकी है। जरा देख तो, इस दुकानदार की राखियां सबसे अच्छी है। तभी वहां से एक दुकानदार जोर जोर से आवाज लगा रहा था, राखी ले लो राखी, सुंदर चमकीली राखी सिर्फ 10 रुपए में। मंजू बोली, अरे शोभा, जरा देख तो, इस दुकानदार के पास कितनी सुंदर राखियां हैं और वह कितनी कम कीमत में राखियां बेच रहा है। शोभा बोली, अरे वह तो भीड़ होने लगी, जल्दी चल मंजू, इससे पहले सारी राखियां खत्म ना हो जाए हम जल्दी से राखियां खरीद लेते हैं। शोभा और मंजू जल्दी जाकर राखियां खरीद लेती है। फिर देखते ही देखते उस दुकानदार की सारी राखियां बिक जाती है। यह देख बाकी दुकानदारों को आश्चर्य होता है। फिर अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार आता है। शोभा सज धज कर अपने भाई सूरज को राखी पहनाती है। राखी को देखकर सूरज कहता है, अरे वाह शोभा, ये राखी तो बहुत प्यारी है, जरूर महंगी होगी। शोभा बोलती है, हाँ महंगी तो है, पूरे 10 रुपए की। यह सुन सूरज चौंक जाता है, क्या बस 10 रुपए की? अरे कोई पागल दुकानदार ही होगा जो इतनी सुंदर राखी 10 रुपए में बेच गया। शोभा बोली, अरे सूरज भैया, ये सब छोड़िए, मेरी राखी का तोहफा दीजिए। फिर सूरज शोभा को एक बड़ा सा तोहफा देता है, जिसे पाकर वह बहुत खुश हो जाती है। फिर अगले दिन शोभा उठती है तो देखती है कि उसके घर पुलिस आई हुई है। शोभा अपने पिताजी से पूछती है, क्या हुआ पिताजी, हमारे घर पुलिस क्यों आई है? पिताजी बोलते हैं, बेटा तुम्हारे सूरज भैया कल रात से घर नहीं लौटे हैं। शोभा को यह सुनकर बहुत दुख होता है। वह तुरंत भागकर मंजू के घर जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि मंजू के भैया भी कल रात से गायब हैं। फिर शोभा और मंजू सूरज के ऑफिस जाती है और वहां सूरज के दोस्त अशोक से पूछती है, अशोक भैया, क्या आपने सूरज भैया को देखा है? वे कल रात से घर नहीं पहुंचे। अशोक बोलता है, शोभा मैं तुम्हें बताने आने ही वाला था, कल कुछ अजीब हुआ। सूरज ने जो राखी पहनी थी उसमें से अचानक से रोशनी आने लगी और सूरज तुरंत ही ऑफिस से भाग गया। यह सुनकर मंजू और शोभा को समझ आ जाता है कि इस राखी में ही कुछ गड़बड़ है। दोनों उस दुकानदार का पता लगाने बाजार जाते हैं और आसपास के दुकानदारों से पूछताछ करने लगते हैं। एक दुकानदार बताता है, जी उस राखी बेचने वाले का नाम कल्लू है और उसका घर गांव के पास वाले जंगल में है। फिर शोभा और मंजू जल्दी ही कल्लू के घर जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि कल्लू ने बहुत से लड़कों को अपना गुलाम बनाया हुआ है, जिसमें से शोभा और मंजू के भैया भी शामिल है। सभी लोग वह चमकदार राखियां पहने हुए हैं, जिसमें से रोशनी आ रही है और कल्लू एक छड़ी के इशारों से काबू कर लकड़ियां कटवा रहा है। यह देख मंजू और शोभा घबरा जाती है। तभी शोभा हिम्मत दिखाते हुए जाती है और कल्लू की वो छड़ी छीन कर तोड़ देती है। छड़ी के टूटते ही जादू का असर खत्म हो जाता है और सभी लोग होश में आ जाते हैं और कल्लू को पुलिस के हवाले कर देते हैं। सीख।
रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है और इस त्यौहार में भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। लेकिन मुसीबत आने पर बहन भी अपने भाई की रक्षा करके अपना कर्तव्य निभाती है, जैसे शोभा ने किया।